पिपली नगर नाम का एक छोटा गांव था। वहां जगरम नाम का एक दादाजी रहता था। दादाजी का एक लौता पोता था बिल्लू। इस कारण दादाजी को बिल्लू बहुत पसंद था। दादाजी और बिल्लू की इतनी बनती थी कि बिल्लू का कोई भी बात दादाजी मना नहीं करता था। जो कुछ भी बिल्लू मांगता, दादाजी उसे तुरंत दे देते। दादाजी शुद्ध दिल के थे, परंतु बिल्लू को एक बुरा आदत था। लोगों को रुलाना बिल्लू को बहुत पसंद था। बस बिल्लू के साथ खेल खेल में दादाजी भी काफी शोर शरारत करते थे। एक बार बिल्लू को एक आइडिया आया और अपने दादाजी के पास गया और बोला, अरे दादाजी दादाजी, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। हम चुड़ैल का मुखौटा पहनकर इस गांव के लोगों को डराएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा पोता तो हीरा है हीरा। इस प्रकार दादाजी और बिल्लू बस रात होने के इंतजार करते और मुखौटा पहनकर गांव वालों को खूब डराते थे। परंतु गांव वाले मानने लगे कि उनके गांव में वास्तव में चुड़ैल है। गांव का एक ग्रामी था चंद्रा, उसने बोला, कुछ भी, अचानक से हमारे गांव में ये अजीब सा मुखौटे वाली चुड़ैल, दिन ब दिन ये चुड़ैल सभी सीमाएं पार कर रही है, हद है, अब इसका तो कोई ना कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा। ये कहकर चंद्रा एक बाबा के पास चला जाता है। बाबा से पूरी बात बताकर उसका उपाय देने की प्रार्थना करता है। ऐसी बात है, इसके मुकाबले में मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे गांव भेजता हूँ। अब जाओ और चिंता करना बंद कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। चंद्रा बिना चिंतित हुए अपने घर वापस चले जाता है। अब इस बार दादाजी और बिल्लू चंद्रा को डराने उसके घर गए। जब वे घर के सामान तोड़-फोड़ करने लगे तो अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भागो रे भागो, यहाँ तो चुड़ैल है। यह कहते हुए देखे कि चुड़ैल अपने दोनों पैर चूल्हे में रखकर खाना पका रही थी। चूल्हा तो काफी अच्छा है ना, मुझे बहुत भूख लग रहा है। मुझे तो किसी मनुष्य का खून पीना है, सही समय पर आए हो।
अरे बिल्लू भागो रे यहाँ से, चुड़ैल है यहाँ, भागो। हाँ दादाजी, ये तो सच में चुड़ैल है। यह जोर जोर से चिल्लाकर दोनों भागने लगे। गांव के लोग उनकी आवाज सुनकर बाहर आए। दादाजी और बिल्लू को देखकर सभी लोगों को समझ आ गया कि ये दोनों पूरे गांव वालों के नाक में चुड़ैल का मुकोटा पहनकर दम कर रहे थे। वो चुड़ैल उस बाबा जी के पास वापस चली गई। दादाजी और बिल्लू को अच्छा सबक मिल गया। पूरा गांव अब चैन से जीने लगे। भूतिया चमका दंड। चंपापेट गांव में निर्मल नाम का एक टैक्सी ड्राइवर था। निर्मल शुद्ध गुण का था और हमेशा सबके मदद करता था। टैक्सी चलाते हुए अपने एक ग्राहक को पास के लालापेट गांव में छोड़ने गया। उस गांव में उसका दिन एक स्त्री पर गया। उस स्त्री का नाम था सौंदर्या। जैसा नाम वैसी स्त्री, अति सुंदर और गुणवान। उसी वक्त सौंदर्या टैक्सी के लिए रुकी। सौंदर्या को दूसरे गांव में जाना था। निर्मल की किस्मत चमकी और सौंदर्या उसके टैक्सी में बैठ गई। मुझे पास के गांव ले जाओ ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मेरा यही तो काम है। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार दोनों की शादी हो गई। निर्मल और सौंदर्या एक नया गांव में अपना घर बसाने चले गए। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे कि अचानक एक दिन निर्मल के सोने के बाद सौंदर्या बीच रात में घर के बाहर चली जाती है। और चलते चलते कुछ दूर के बाद वो एक चमगादड़ में बदल के उड़ने लगती है। चमगादड़ में बदलकर वो अपने शिकार के ओर उड़ गई। गांव में सो रहे लोगों में से एक के घर में घुस गई और उस सोते आदमी को पकड़कर उसका खून पी गई और उसे मार डाली। शिकार के बाद वो वापस अपने घर की ओर उड़ चली और घर के पास आते ही वो स्त्री के रूप में बदल गई। बिना कुछ मालूम हुआ वापस अपने पति निर्मल के पास सो गई। अगला दिन। अरे निर्मला सुनो तो, गांव में कल रात एक चुड़ैल ने पड़ोसी के एक आदमी का खून पीकर उसे मार डाला। सभी गांव वाले बहुत चिंतित है। ध्यान रहे कि तुम रात में घर से बाहर गलती से भी मत जाना। ठीक है जी। रात हुई और हर रोज की तरह दोनों सोने चले। आधी रात हुआ और सौंदर्या फिर से घर के बाहर चली गई। परंतु निर्मल को उसी वक्त नींद खुली और सौंदर्या बगल में ना होने के कारण वो घर में उसे ढूंढने लगा। निर्मल देखा कि सौंदर्या घर के बाहर चलती चलती चमगादड़ में बदल जाती है। निर्मल काफी डर गया और खुद से बोला, हे भगवान, मेरी बीवी एक चमगादड़ है। मैंने क्या एक चमगादड़ से शादी की है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत,
मुझे और इस गांव वालों को इस चमगादड़ से किसी भी तरह छुटकारा पाना होगा। अगले दिन निर्मल को एक बढ़िया तरकीब सूझा। वो तुरंत ही एक केज घर ले आया। सौंदर्य, क्या है जी ये? घर में केज क्यों ले आए? ये मेरे एक दोस्त का है, तुम डरो मत। रात हुआ, सौंदर्य हर बार के तरह आधी रात को घर से बाहर निकली और चमगादड़ में बदल कर उड़ गई। जैसे ही वो उड़ गई, निर्मल उस केज को उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर वो चमगादड़ हर दिन उतर कर स्त्री में बदल जाती है। केज को वहाँ रखकर निर्मल उस चुड़ैल चमगादड़ के लौटने का इंतजार कर रहा था। काफी समय के बाद वो चुड़ैल चमगादड़ वापस उसी जगह पर उतरी और अनजाने में उस केज में घुस गई। जैसे ही वो घुसी, निर्मल जल्दी से उस केज का दरवाजा बंद कर दिया और उसे गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया। इस प्रकार निर्मल खुद को और उस गांव वालों को उस चमगादड़ चुड़ैल से मुक्त किया।